आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में दुनिया भर के 155 देशों की पवित्र नदियों के जल से होगा महाभिषेक। डॉक्टर विजय जौली के नेतृत्व में किया गया है जल अभिषेक का इंतजाम। इंडिया न्यूज संवाददाता डॉक्टर विजय जौली से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनवाते हैं। राम का 155 देशों के जल से जलाभिषेक करने का बीड़ा उठाया था और आज उसे पूरा भी किया जा रहा है। कितना वक्त लगा और ये सोच कैसे आई, किसने प्रेरित किया? देखिए, मुझे मेरे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंगल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उनसे प्रेरणा लेकर 20 अगस्त 2020 में मैंने इस बात का संकल्प लिया था कि प्रभु श्री राम का जलाभिषेक वैश्विक जल से करेंगे। 31 महीने बीत गए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हमारी भक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभु श्री राम के विश्वास के कारण हम इस महाअभियान को पूर्ण कर सके। आज अयोध्या में रविवार 23 अप्रैल को प्रातः 10 बजे पहले महाआशीर्वचन का कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के अनेक कथावाचक, धर्माचार्य गुरु, राजनेता और उनके साथ साथ भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष स्वयं शामिल होंगे और उसके बाद 41 देशों के आए हुए प्रतिनिधियों के साथ अयोध्या राम मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पर रामलला के दर्शन करने के उपरांत जल अभिषेक अर्पण के माध्यम से भी होगा। आज क्या क्या कार्यक्रम, आज कौन कौन बड़े मुख्य अतिथि आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमने तो सबको खुले हृदय से आमंत्रित किया है, जो आए उसका भी स्वागत है और जो किसी कारणवश ना आ पाए उसका भी स्वागत है। जो भी आएगा खुले दिल से हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये रामलला का काम है, किसी वीवीआईपी या किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। जय सियाराम। और कौन से देश हैं, और कई जगह प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स भी आए होंगे लाने में, ले जाने में जलों को, उसकी कहानी? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो कठिनाई का सामना करना पड़ा वो पाकिस्तान से जल को मंगवाने का रहा, क्योंकि पाकिस्तान से जो जल सिंधी मूल के हिंदू धर्मावलंबियों ने जल एकत्रित किया, रावी और सिंधु नदी का, वो हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई के माध्यम से प्राप्त, और मेरे साथ हमारे नॉर्वे के मित्र अनिल शर्मा जी भी हैं जिन्होंने हमें दो देशों से जल दिया है। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मिसेज पुंज और मिस्टर पुंज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से यहाँ पर उपस्थित हैं। और भी कई सारे देशों से आपके मित्र या जो लोग जल लाने में सहायक बने उनको भी बुलाया गया? देखिए, आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से नेपाल के दो सांसद सदस्य विनोद चौधरी, एकनाथ ढकाल भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। नेपाल की हमारी महिला नेत्री गीता तिमलसनिया अपने बेटे विक्की पेरेजुली के साथ भी यहाँ पर उपस्थित है। आगे आओ, आगे आओ। ये गीता तिमलसनिया है जिन्होंने हमें नेपाल का जल सबसे पहले, और परशुराम पुंज जी ने मुझे ब्रिस्बेन से पूजा अर्चना कर ये जल भेजा था। बिल्कुल, यहाँ पे कई सारे लोग हैं। देखिए, आप नेपाल से आए हैं, लिस्बन से, कैसा अनुभव था, कोई कठिनाई भी हुई? शुक्र, बहुत आनंद आ रहा है और विजय जौली की इतनी मेहनत, मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू भाई। आप नेपाल से आई हो, वहीं से शिला भी मंगवाई गई है, तो कितना बड़ा अनुभव था, और जब विजय जौली ने कहा आपसे कि नेपाल से भी जल लाया जाएगा तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। वो कोविड का टाइम था, बाई रोड में लेके आई, वो बागमती नदी का जल है, पशुपति के वो ब्राह्मण नाल का जल है। इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया ना, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। जय श्री राम। आप भी? मैं नॉर्वे से आया हूँ सर, तो जब विजय जौली जी ने कहा था जल अभिषेक के विषय में, तो मैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड से वो लेकर आया था जल। कठिनाई भी हुई कभी? कोई कठिनाई नहीं हुई, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी उस टाइम। संसार राम हो रहा है।
सब संसार राममय हो रहा है। बिल्कुल, ये विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हैं जिन्होंने जल लाने में मदद की थी विजय जौली जी की, नेपाल, ब्रिस्बेन और बाकी कई देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अतिथि के रूप में, जो 3 से 4 देश, आइसलैंड जैसे देश, पाकिस्तान से लाने में कठिनाई हुई विजय जौली बता रहे थे, और आज यहाँ जो अभिषेक का कार्यक्रम है वो पूरा संपन्न किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो आगे बढ़ेंगे, अयोध्या में 156 देशों के पवित्र जल से रामलला का जलाभिषेक होगा, इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और यहाँ पर वो जल है जिसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो 155 नहीं 156 देशों से लाया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इन्हीं सारे अलग अलग देशों से लाए हुए जल से जलाभिषेक कराया जाएगा श्री राम का, और बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कई सारे लोगों को बुलाया गया है, उन 156 देशों से भी कई सारे देशों से गणमान्य जो अतिथि हैं उन्हें बुलाया गया, जिन्होंने जल को लाने में मदद की थी, आइसलैंड, नॉर्वे और कई जगह से यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, कलश पे भी लिखा हुआ है, कई जितने देश हैं उनका नाम लिखा हुआ है, मंगोलिया। हमारे साथ जो वो जो कहा जाए कि विजय, डॉक्टर विजय, जिन्होंने ये पूरा जल लाने का अभियान शुरू किया था, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से थोड़ी तकलीफ हुई उन्हें जल लाने में, उन्हें UAE की तरफ से वो जल वापस मिला। पाकिस्तान में सिंधी जो इलाका है, सिंध इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ के कुछ लोगों से संपर्क किया गया, कई जगह पर इस तरह की परेशानी आई, लेकिन जो अभियान था उसे पूरा किया गया, संपन्न किया गया, और आज ये सामने हम तस्वीर देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी के लिए ये भाव, ये आस्था के साथ इस जलाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या।